एवरीबॉडी, मैं हूँ ऋषि बामी और मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से. मैं एक योगा एजुकेटर हूँ, मैं एक पीएम एक्सपर्ट हूँ, मैं एक प्रोडक्ट मॉडल हूँ. और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है. वो क्या है? वो है स्ट्रेस. बढ़ती दौर की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ती जा रही है वो है स्ट्रेस. एंजाइटी, टेंशन सभी को बहुत ज़्यादा हो रही है. और इसको दूर करने के लिए हम करेंगे योग. योगा वेद साइंस योगा के बारे में ये बोलते हैं कि वेद नॉलेज है और योगा प्रैक्टिस है. और आज हम बात करेंगे कि हम कैसे योगा से स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. और सबसे बड़ा एम मेरा ये होगा कि मैं आपकी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव करूँ ही करूँ, बट बल्कि आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल भी साथ में हेल्थ इम्प्रूव करूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल आसन और आप सब मेरे साथ कीजिए. तो सबसे पहले आप एक मैट ले लीजिए और एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर आ जाइए. जिस तरह से मैं हूँ, हम नेचर के जब पास होते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बहुत काम होता है. और इस आसन को करने के लिए आपको अपने हील पे नील डाउन करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ. और अब आप क्या करेंगे, आपको इनहेल करना है. जब आप इनहेल करेंगे तो आपके स्टमक और आपकी लंग्स में जो है आप एयर को फिल करेंगे. जितना डीप इनहेल करेंगे उतना ही डीप एक्सहेल करेंगे, क्योंकि योगा में ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. और इससे इस आसन का नाम है बालासन. ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा, आपकी थाइस, आपकी हिप्स और आपकी एंकल को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेगा. अगर आपकी नेक में स्टिफनेस है या बैक में पेन है तो उसको भी रिलीफ देगा. तो अब ये हम कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि हम पहले इनहेल करेंगे, हमारी चेस्ट हमारी थाइस को टच करेगी और जो हमारे आर्म्स हैं आगे की तरफ स्ट्रेच होंगे. तो लेट्स डू इट. और हम जब ऊपर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे और अब आप देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स होगा. इसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं. और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ओम का उच्चारण करेंगे. तो ओम का उच्चारण करते हुए आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप लेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे. सो आप मेरे साथ सब साथ में कीजिए. इस योग मुद्रा की पोजिशन में आ जाइए कम्फर्टेबल सी. स्लोली आप एक्सहेल करेंगे और अपनी आईज को ओपन करेंगे. इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. आपको रियलाइज होगा कि आपने जॉय को इनहेल किया है और अनहैप्पीनेस को आउट किया है. आपको बिल्कुल फील होगा जैसे आप बहुत हल्का फीलेंगे, आपका माइंड बिल्कुल काम होगा. अब ये जो ओम है, अब हम ये बात करेंगे कि जो ओम है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये साउंड जो है वो इतनी पावरफुल क्यों है, क्यों हमें ओम बोलने को कहा जाता है. तो ये जो ओ है, ओ स्टैंड करता है ब्रह्मा के लिए. ब्रह्मा मीन्स क्रिएटिविटी. ओ स्टैंड करता है विष्णु. विष्णु इज फॉर पावर एंड सक्सेस. और जो म की साउंड है दिस स्टैंड फॉर शिवा विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी. तो जब आप ये करेंगे तो आप यूनिवर्स को मैसेज देंगे इन तीन चीज़ों का. और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे अपनी सारी नेगेटिविटी. सो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप बड़ा बिजनेस के लिए ऐसी स्टे ट्यून रहिए. तब तक के लिए नमस्कार और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम और आसन करेंगे. तब तक के लिए प्रणाम.